नवरात्र के चलते पूरे भोपाल में उत्सव का नजारा दिखाई दे रहा है। भोपाल शहर माता रानी के जयकारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान झांकियों की रोशनी से पूरा शहर जगमगा गया। भोपाल के जिनसी चौराहे स्थित संत रविदास मंदिर पर लगातार 35वें साल भी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर राष्ट्रभक्ति को समर्पित बाहुबली की झांकी सजाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हस्तचलित झांकी में बाहुबली का दृश्य लोगों को खूब भाया। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जिनसी चौराहे की यह झांकी प्रदेश भर में अपनी एक अलग ही पहचान स्थापित कर चुकी है। हमारे 33वें वर्ष में प्रथम दृश्य में हर वर्ष की भांति माँ भगवती की प्रतिमा विराजमान है और राष्ट्रभक्ति, अपने राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार की जाती है, ये हमारी झांकी का इस बार प्रसंग है। इस वर्ष हमने चलित मूविंग हस्तचलित झांकी में बाहुबली का दृश्य दर्शाया है। लगभग 33 वर्षों से हम यहाँ माँ जगत जननी की प्रतिमा विराजमान करते आ रहे हैं। समूचे मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में झिनसी चौराहा एक अपनी विशेष पहचान बना चुका है। भोपाल ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ हजारों की तादाद में रोजाना भक्त आते हैं और भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है और हमारी झांकी उनके उत्साहवर्धन का केंद्र बन चुकी है। विशेष अनुष्ठान कोरोना वैश्विक महामारी को लेके हमारे ब्राह्मणों द्वारा, विद्वान ब्राह्मण जो है माँ जगत जननी से विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं कोरोना वैश्विक महामारी को समाप्ति के लिए। समिति की ओर से सोशल डिस्टेंस का पालन, मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का यूज करना और शासन की जो पूरी गाइडलाइन है उसका हमारी समिति पालन कर रही है। बता दें, प्रतिदिन झांकी स्थल पर ब्राह्मणों द्वारा कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर विशेष अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। साथ ही पंडाल स्थल पर लोगों को मास्क वितरित कर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।